हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ऑक्टल नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ 55 लिया, 55 को हम डिवाइड करवाएंगे 2 से, 8 से, क्योंकि हम ऑक्टल से इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये पहले दिया किस में हुआ है ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है डेसिमल में, किस में दिया हुआ है, तो ये डेसिमल में है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल यानी बेस 8 वाले में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ 55 लिखा हुआ है, 55 इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और भी तरीके हैं लेकिन अभी हम इस तरीके से करेंगे, और यहां से इसको 8 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हम यहां पे कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम ये डिवाइड होगा। ठीक है, 8 से ज्यादा, 6 से ज्यादा टाइम अगर डिवाइड करेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 ग्रेटर है 55 से, दैट्स व्हाई यहां पे 6 टाइम ये जाएगा, और 6 टाइम जाने के बाद यहां पर क्या रिमाइंडर आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा, 7 को हम यहां लिख देंगे। अब हमको उल्टा ऐसे चलना है, ये जो है ना ऐसे उल्टा चलेगा ये। ठीक है, यानी नीचे यहां पे ये 6 है और फिर ये 7 है, इन्हीं दोनों को हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, तरीका क्या है लिखने का, यहां पे ये ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 6 लिखा हमने एंड 7। ओके, तो 6 एंड 7 लिख दिया हमने, और यहां पे नीचे क्या लगा देंगे, बेस 8 लगा देंगे। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये 7 लिखा हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे 7। अब चूंकि हमने 8 में कन्वर्ट किया है इनटू 8 टू द पावर, यानी ऑक्टल वाले में कन्वर्ट किया है, दैट्स व्हाई यहां पे 8 ले रहे हैं, नहीं तो हम अगर बाइनरी होता तो 2 लेते। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहां पावर हो जाएगी 0। आपको पता है कि किसी भी नंबर पर 0 का पावर का मतलब 1 होता है एक्सेप्ट 0। ओके, तो यहां पर अब आएंगे, ठीक है, 6 इंटू करेंगे, ठीक है, तो 8 टू द पावर 1 का मतलब 8 हो जाएगा, और यहां पे 8 में 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आंसर हमारा 48। ओके, ये हो गया 1 और ये हो गया 7, तो 1 इंटू 7 तो 7 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब ये 7 हो गया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 55। ओके, एनी डाउट इसमें, यानी हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आ चुका है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 10 लगा दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहां पर हम 155 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 155 किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। अगर 8 2 जा कर देते हैं तो 16 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यहां पे हम करेंगे 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा, 7। ठीक है, अब 8 का टेबल हम कितनी बार करें कि 75 है टाइम करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो यहां 3 हमने लिख दिया है। ठीक है, और अब यहां पे फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 टाइम हमने कर दिया यहां पे, और 2 टाइम करने के बाद यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, यहां पे 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत इसमें, एनी प्रॉब्लम। यहां पे अब आंसर हमें क्या लिखना है, आंसर बस इसका उल्टा चल दीजिए आप ऐसे जो मैंने बताया था। ठीक है, यहां पर उल्टा चल देंगे तो ये क्या आएगा, 2 3 एंड 3, एनी प्रॉब्लम इसमें, और यहां बेस क्या लगा देंगे बेटा, ओके, एनी प्रॉब्लम, ओके। अब इसको हम वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो 233 है ना, यहां पे लिखता हूं मैं 2 3 और ये 3। ठीक है, इसको हम वापस से किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, तो यहां पे 3 है तो 3 इंटू, चूंकि पावर हमें 0 से स्टार्ट करना है ये तो आपको पता ही है, तो ये ऑक्टल में है इस वजह से हम यहां क्या करेंगे, 8 लेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू, इस पे 0 का पावर लगाएंगे। ठीक है, फिर यहां पर ये 3 है तो 3 इंटू 8 टू द पावर 1 करेंगे अब। ओके,
कोई प्रॉब्लम इसमें? और फिर यहां पे 2 इनटू 8 टू द पावर 2 करेंगे, ठीक है? 8 टू द पावर 2 का मतलब हो जाएगा 64, और 64 में 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, 128 आ जाएगा ये। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके, इसके बाद फिर यहां पे 24 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ओके, और यहां पर क्या होगा, 8 टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3। ओके, अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, ठीक है? तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 2 8 ऐड करना है, ठीक है, 24 ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, ठीक है? तो 1 2 8 प्लस 24 और 3 ऐड करना है, तो ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 155 हमारा आ जाएगा आंसर। और यहां पर कितना था बेटा, 155। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको।